हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सचिव महोदय का महत्वपूर्ण नया आदेश, आज से बदलेगा प्रसिद्धि विद्यालयों के संचालन का समय। देखिए आदेश, 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत MRC शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश, 3,000 ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती जल्द, विद्यालयों का किया निरीक्षण, गंदगी शैक्षिक अव्यवस्था पर शिक्षकों का वेतन रोका, बर्खास्त शिक्षिका बोली आवेदन में भरे थे सही अंक, फिर कार्रवाई क्यों, बेसिक शिक्षा विभाग में तबादले की मांगी रिपोर्ट, संबद्धता के नाम पर तबादले की चर्चा, BLO ड्यूटी लगाने पर भड़के शिक्षक। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें नहीं है यूट्यूब चैनल पर। यह आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, दिनांक 30 सितंबर 2022, विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्रसिद्धि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक BSIPA दिनांक 30/12/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 में पढ़ाई हुई शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक, प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 8 से 8:15 तक एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक, प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास प्रातः 9 से 9:15 तक, ग्रीष्मकाल में मध्यावकाश 10:30 से 11 बजे तक तथा शीतकाल में मध्यावकाश अपराह्न 12 से 12:30 निर्धारित है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 1 से 8 तक के प्रसिद्धि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 9 से 9:15 बजे तक, मध्यावकाश अपराह्न 12 से 12:30 तक संचालित किया जाएगा। कृपया उपयुक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। भौदी प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत MRC शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश। प्रयागराज प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों के 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित और 15 सितंबर को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन पाने वाले 87 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी MRC शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश दिए गए हैं। BSA प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को गुरुवार को निर्देशित किया कि 18-19 जुलाई को BSA कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले इन शिक्षकों का अवशेष एवं नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद BSA शिक्षा परिषद ने इन शिक्षकों का तबादला किया है। लखनऊ प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायत सचिव के 3,000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। राज्य के पंचायती राज विभाग की ओर से इस बारे में 1500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य अधीनस्थ चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। यह जानकारी पंचायती राज निदेशक अनुज झा ने दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द ही इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंचायत सचिव के कुल 8100 पद हैं, इनमें से 3,000 पद काफ़ी लंबे अरसे से खाली चल रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों को मिला लिया जाए तो पंचायत सचिव को कामकाज संभाल रहे ऐसे अफसरों की कुल तादाद करीब 17,000 बैठती है, जबकि प्रदेश में 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इस तरह से इन 3,000 रिक्त पदों पर भर्ती के बावजूद एक एक पंचायत सचिव पर 4 से 5 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी रहेगी। पंचायती राज निदेशक के अनुसार पंचायत सचिव का काम क्लस्टर पर होता है और स्वाभाविक है कि एक पंचायत सचिव को कई ग्राम पंचायतों का काम देखना पड़ सकता है। विद्यालयों का किया निरीक्षण, गंदगी शैक्षिक अव्यवस्था पर शिक्षकों का वेतन रोका। बाबूगंज बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज विद्यालयों के औचक निरीक्षण करने सुकुरा को फूलपुर पहुंचे। BSA सम्मिलियन विद्यालय बाबूगंज में साफ सफाई पर चेतावनी दी तो प्राथमिक विद्यालय बीरकाजी के अध्यापकों का वेतन रोकने और प्रधानाध्यापक के खिलाफ जाँच के निर्देश भी दिए। BSA प्रयागराज प्रवीण तिवारी शुक्रवार को अचानक सम्मिलियन विद्यालय बाबूगंज पहुंचे तो विद्यालय परिसर में साफ सफाई के बारे में पूछा तो अध्यापकों ने साफ सफाई नहीं आने की बात बताई। BSA ने बच्चों की संख्या सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए कक्षा में पहुंच बच्चों से पढ़ाई पाठन के विषय में पूछताछ किया, परिसर को स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय बीरकाजी में पहुंचे तो वहां की परिसर में गंदगी देखकर बिफर गए। नामांकन से 50% कम उपस्थिति, पठन पाठन विद्यालय की पुताई आदि दुर्व्यवस्थाओं से खिन्न BSA ने विद्यालय के सभी अध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। अपूर्ण अभिलेखों के मिलने से नाराज BSA ने प्रधानाध्यापक तस्नीम अख्तर के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरकाजी पहुंचे जहां पर बच्चों के पठन पाठन शिक्षण कार्य साफ सफाई तथा बच्चों की उपस्थिति ठीक रही। विद्यालय के वातावरण तथा शैक्षिक कार्य आज पर संतोष व्यक्त किए। इस संबंध में BSA प्रवीण तिवारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय बीरकाजी की व्यवस्था बहुत ही खराब थी, शिक्षण कार्य साफ सफाई तथा बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम के साथ कई कमियाँ पाई गई जिससे प्रधानाध्यापक के खिलाफ जाँच तथा सभी अध्यापकों के वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। बर्खास्त शिक्षिका बोली आवेदन में भरे थे सही अंक, फिर कार्रवाई क्यों। बर्खास्त शिक्षिका बोली आवेदन में भरे थे सही अंक, फिर कार्रवाई क्यों। बदायूं अभिलेखों और आवेदन पत्र में भरे गए अंकों में अंतर के आधार पर सोमवार को 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी की गई। वहीं कुछ दिन पहले एक और शिक्षिका को भी बर्खास्त किया गया था। अब जिले में 6 शिक्षकों की सेवा समाप्त हो चुकी है। इसमें से बेवर जिला मैनपुरी के रहने वाली शिक्षिका भावना कहना है कि उसने फॉर्म में सही अंक भरे हैं जो उसके मूल अभिलेखों में हैं, इसके बावजूद भी उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। 20 महीने से वेतन नहीं दिया गया है।
बीसी शिक्षा विभाग में करीब पौने दो साल पहले 2058 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इन शिक्षकों की काउंसलिंग उस समय 4 से 5 चरणों में कराई गई थी। अक्टूबर 2021 में 21 से शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई थी। इस दौरान कुछ ऐसे शिक्षकों के नाम सामने आए जिनके मूल अभिलेखों में दर्ज प्राप्तांक आवेदन भरे नंबरों से मिल नहीं खा रहे थे। ऐसे में बीएसएन ने कुछ दिन पहले शिक्षिका सिवानी की सेवा समाप्त की थी। वहीं सोमवार को बीएसएन ने अमित कुमार, सुरजीत सिंह, नंदनी बर्नवाल, होमशरण यादव और भावना को भी बर्खास्त कर दिया। शिक्षिका भावना कुमारी ने आरोप लगाया कि उन्हें अंक पत्र में जो नंबर मिले हैं उन्हीं को आवेदन पत्र करते हुए भरा था। बर्खास्त की जिस आधार पर की है उसमें गलत नंबर दिखाए गए हैं। इसको लेकर बीएसएन से मिली लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। बर्खास्त किए गए अन्य शिक्षक इस कार्रवाई के विरोध में कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि विभागीय कार्रवाई की विधि उन्हें न्यायालय की शरण लेनी होगी क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो कार्रवाई गलत की है और ऊपर से वेतन नहीं, उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। सिद्धार्थनगर बेसिक शिक्षा विभाग में संबद्धता के नाम पर शिक्षकों के तबादले का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दूसरे स्कूलों से संबद्ध शिक्षकों के साथ निलंबित शिक्षकों की सूची तलब की है। आरोपी की संबद्धता के नाम पर बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके मनचाहे स्कूलों में तैनाती दी गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय कांत के ADBSC से सूचना मांगे जाने का कारण बेसिक शिक्षा विभाग में अनोखे ढंग से किया गया शिक्षकों का तबादला बताया जा रहा है। बता दें कि लंबे समय से जिले के अंदर शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया लंबित है। शिक्षक लंबे समय जिले के अंदर मनचाहे स्कूलों में तैनाती के बाट जो रहे हैं। शिक्षकों उनके संगठनों की मांग के बाद ही विभाग की ओर से जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया लंबित है। तबादला नहीं होने से परेशान शिक्षकों को उनके मनचाहे स्कूलों में तैनात करने के लिए अधिकारियों ने नया रास्ता निकाल लिया है। आरोप है कि पहले शिक्षक को निलंबित किया और फिर मनचाहे स्कूल से संबद्ध कर दिया। संबद्धता के नाम पर तबादले की स्केल की शिकायत ऊपर पहुंची। बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि बंद विद्यालयों को संचालित करने के लिए शिक्षकों को संबद्ध किया गया है। जिन शिक्षकों ने कार्य में लापरवाही की है उन्हें निलंबित किया गया है। महानिदेशक को रिपोर्ट भेजी जा रही है। गोंडा निकाय चुनाव में मतदाताओं की गणना के लिए बीएलओ के पद पर अचानक शिक्षकों को ड्यूटी लगा दी गई। वह अभी तक ड्यूटी लगाई गई है जब शिक्षकों के अन्य कार्य से मुक्त रखने को कहा गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेशी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए से भेंट की, मांग किया कि नियमों के अनदेखी करके ड्यूटी लगा दी जाती है। हर बार इसकी मांग करनी पड़ती है जिससे संदेश सही नहीं जाता है। जानबूझकर शिक्षकों को परेशान किया जाना बंद किया जाए। जिलाध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में विभाग से निपुण भारत मिशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त विभागीय कार्य प्राथमिकता में है, परंतु ऐसे महत्वपूर्ण समय में शिक्षकों की ड्यूटी नियमों के विपरीत बीएलओ के पद पर लगा दी गई है। जिला कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 और इस संबंध में बनी नियमावली नियम 21(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।